शो की शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। विदेशी निवेशकों की ओर से जारी बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी गिरावट के साथ ही खुले। गिरावट भरे इस सत्र में सेंसेक्स 600 अंक तक फिसला, जिसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी 5 महीने के निचले स्तर यानी कि 11,900 के नीचे बंद हुआ है। आज के कारोबार में निफ्टी के 50 में से 39 शेयर जबकि सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर, बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयर गिरावट देखने को मिली है। बजट के बाद अब तक बाजार की चाल पर नजर डालें तो बजट अब तक निफ्टी 948 पॉइंट्स और सेंसेक्स 2813 पॉइंट्स फिसला है, जबकि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 3827 पॉइंट्स की गिरावट इसमें भी देखने को मिली है, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 2040 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज के सेशन में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएससी के अगर मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालें तो 1.26% फिसला है ये, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.69% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तेल गैस शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला। बीएससी का जो ऑयल एंड गैस इंडेक्स है उसमें करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों ने भी आज लाल निशान में अपनी क्लोजिंग दी है। निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.73% जबकि प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.88% टूटकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 1.97% गिरकर बंद हुआ है 27,648 के लेवल्स पर। आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडाइसेस आज लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर नजर डालें तो 0.63% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में 1.29%, मेटल इंडेक्स में 1.78%, फार्मा इंडेक्स में 0.77% जबकि रियल्टी इंडेक्स 1.79%, एफएमसीजी इंडेक्स 0.53% और फाइनेंशियल इंडेक्स 1.37% गिरकर बंद हुए हैं। तो निफ्टी का जो बैंक निफ्टी है वो 1.97% की गिरावट के बाद 27,648 के लेवल्स पर बंद हुआ है। फार्मा इंडेक्स की अगर बात की जाए निफ्टी के तो 0.77% की इसमें भी गिरावट देखने को मिली। 7,807 के लेवल्स पर निफ्टी के फार्मा इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है, जबकि ऑटो इंडेक्स आज 1.29% की कमजोरी के साथ 6,844 के लेवल्स पर बंद हुआ है। लेकिन सिर्फ आईटी इंडेक्स ऐसा था जिसमें आज हरे निशान में इसने अपनी क्लोजिंग दी है 0.63% की बढ़त के साथ 15,518 के लेवल्स पर निफ्टी के आईटी इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है। एडवांस और डिक्लाइंस जैसे कि हमने आपको पहले भी बताए हैं, निफ्टी के जो आज 51 में से सिर्फ 12 ऐसे शेयर हैं जो आज हरे निशान में बंद हुए हैं, जबकि 38 शेयरों में आज के सेशन में बिकवाली हावी रही और ये लाल निशान में बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 418 अंक लुढ़क कर 36,699.84 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो 134 अंकों की गिरावट इसमें देखने को मिली। 10,862.60 के लेवल्स पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है और उसी के चलते सेंसेक्स 418 अंक टूटा है, जबकि 134 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। तो चलिए कुछ मार्केट्स के नंबर्स भी आए हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स के, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि मार्केट्स में आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में जो नंबर्स आए हैं उसमें भी काफ़ी कमजोरी देखने को मिली है। जेके सीमेंट की अगर बात की जाए तो जेके सीमेंट में आज भारी बिकवाली देखने को मिली थी और उसी के चलते आज क्वार्टरली नंबर्स पहले आपको बताते हैं। FY20 के फर्स्ट क्वार्टर में 153.98 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी को हुआ है, जबकि FY19 आय में अगर नज़र डालें तो 19% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। आय FY20 के फर्स्ट क्वार्टर में 1,328 करोड़ रुपए देखने को मिली है। तो मुनाफा जो अब सामने आया है वो दबाव के साथ आया है, साथ ही साथ नतीजों के शेयर में 1.39% की गिरावट देखने को मिली। 950 के लेवल्स पर इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो जेएनके सीमेंट में आज करीब करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली, नतीजे आए हैं कंपनी के और उसके बाद ही शेयर लुढ़क चुका है। आगे बढ़ें तो कुछ और कंपनी के नंबर्स आए हैं जिसमें बाटा ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं, ITC ने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं, वेंकीज में भी आज खबर रही है और ये तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो आज फोकस में रहे हैं। द्वारिकेश शुक्र एक और ऐसा स्टॉक है जिसके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, मुनाफे की अगर बात की जाए तो घटकर
गिरकर सामने आया है। 35.2% गिरकर 19.9 करोड़ रुपए का रहा है। आय की बात की जाए तो आय बढ़कर सामने आई है द्वारके शुगर की, 0.7% बढ़कर 379 करोड़ की हुई है FY20 में फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी की आय। एबिटा पर नजर डालें तो एबिटा और एबिटा मार्जिन में दोनों में ही दबाव देखने को मिला है। एबिटा 45 करोड़ से घटकर 36.7 करोड़ दर्ज किया गया है। एबिटा मार्जिन 12% से घटकर 9.7% पर आ चुके हैं। तो द्वारके शुगर के नंबर्स आए हैं, ऐसे में शेयर की बात की जाए तो 6.19% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है। 20.45 रुपये पर द्वारके शुगर के स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। ट्राइडेंट के भी नंबर्स आए हैं। क्वार्टरली नंबर्स की अगर बात की जाए तो FY20 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो मुनाफा दर्ज किया गया है वो 122.4 करोड़ रुपए का हुआ है। आय बढ़कर सामने आई है, 15.5% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। 1312.1 करोड़ रुपए की कंपनी को इस क्वार्टर में आमदनी हुई है। एबिटा की अगर बात की जाए तो एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा 53.3% बढ़कर 299 करोड़ के रहे हैं। एबिटा मार्जिन 17.2% से बढ़कर 22.8% हो गए हैं। काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं ट्राइडेंट के, और ऐसे में शेयर की बात की जाए तो 2.89% की तेजी के साथ 55.25 रुपीज़ पर इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तो ट्राइडेंट के नंबर्स हो गए, लेकिन नेस्ले इंडिया ने अपने जो क्वार्टरली नंबर्स पेश किए हैं उसमें जो मुनाफा आया है वो बढ़कर सामने आया है। 10.08% से ये बढ़कर 437.8 करोड़ का रहा है। आय की बात की जाए तो FY19 के नंबर्स हैं क्वार्टर टू के, आय 11.2% बढ़कर 3000 करोड़ की दर्ज की है। नेस्ले इंडिया के FY19 के सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स हैं ये। एबिटा भी बढ़कर सामने आया है, 8.1% से ये बढ़कर 697.2 करोड़ का रहा है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो 23.2% के एबिटा मार्जिन FY19 के सेकेंड क्वार्टर में दर्ज किए गए हैं। तो नेस्ले इंडिया के FY19 के सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स हैं। शेयर में आज के सेशन में तेजी देखने को मिली 3.23% की बढ़त के साथ 11,799 के लेवल्स पर नेस्ले इंडिया ने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। ITC सिगरेट बनाने वाली कंपनी है और इसने भी अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश किए हैं। FY20 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़कर सामने आया है, 12.6% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। 3173.9 करोड़ का मुनाफा कंपनी का इस क्वार्टर में हुआ है। आय की बात की जाए तो आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 5.8% से ये बढ़कर 11,502.8 करोड़ रुपए की हुई है कंपनी को इस क्वार्टर में आमदनी। जबकि एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों ही बढ़कर सामने आए हैं, 8.7% से ये बढ़कर एबिटा 4565.7 करोड़ के दर्ज किए गए हैं। एबिटा मार्जिन की अगर बात की जाए तो एबिटा मार्जिन 38.6% से बढ़कर 39.7% हो गए हैं। तो ITC के नंबर्स आए हैं, और उसके बाद शेयर की बात की जाए तो गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है, 1.91% टूटकर शेयर 259.55 के लेवल्स पर ये बंद हुआ है। तो ITC के नंबर्स आए हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसने भी अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश किए हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। FY20 का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है 58.4% घटकर इसका मुनाफा 21.9 करोड़ का दर्ज किया गया है। ब्याज आय की अगर बात की जाए तो ब्याज आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 15.8% से ये बढ़कर 902.2 करोड़ के हो गई है। FY20 के फर्स्ट क्वार्टर के हम नंबर्स आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ ग्रॉस NPA में गिरावट देखने को मिली है, 6,221.3 करोड़ से ये घटकर 6,030 करोड़ हो गई है। साथ ही साथ नेट NPA में भी गिरावट देखने को मिली है, 3,239.6 करोड़ रुपए से ये घटकर 2,962.3 करोड़ रुपए की दर्ज किए गए हैं। तो नेट NPA और ग्रॉस NPA दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर में आज के सेशन में, लेकिन कमजोरी देखने को मिली जो नंबर्स आए हैं उसके बाद 3.13% टूट कर ये शेयर 34.10 रुपए पर बंद हुआ है। तो कंपनी के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद शेयर में कमजोरी देखने को मिली। वेंकीज एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अपने क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट किए हैं। FY20 का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है उसमें एबिटा की अगर बात की जाए तो 118.4 करोड़ रुपए से ये घटकर सामने आए हैं। मुनाफा 13% घटकर 61.8 करोड़ रुपए का दर्ज किया गया है। आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 19.8% से ये बढ़कर 905.3 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। तो मुनाफा घटा है लेकिन आय में बढ़ोतरी हुई है
एंट्रीज की। साथ ही साथ एबिटा जैसे कि हमने बताया 118.4 करोड़ रुपए से घटकर 101.4 करोड़ रुपए का हुआ है। एबिटा मार्जिन में भी दबाव देखने को मिला है, 15.7% से ये घटकर 11.2% के हो गए हैं। तो वेंकीज इंडिया एक और ऐसी कंपनी है जिसने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश किए हैं। आज के सेशन में तेजी देखने को मिली वीक नंबर्स के बावजूद भी, 13.46% की बढ़त के साथ 1,351 के लेवल्स पर वेंकीज इंडिया के शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। बाटा एक और ऐसा स्टॉक होगा जिसने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश किए हैं। FY20 के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें मुनाफे की बात की जाए तो बढ़कर आया है मुनाफा, 22.1% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। 101 करोड़ रुपए का कंपनी को इस क्वार्टर में मुनाफा हुआ है। आय की बात की जाए तो आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 10.6% बढ़कर 882.1 करोड़ रुपए की आमदनी इस क्वार्टर में कंपनी को हुई है। FY20 के नंबर्स हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ एबिटा की बात की जाए तो 84.3% से ये एबिटा बढ़कर 242.9 करोड़ का दर्ज किए गए हैं। एबिटा मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 16.5% से ये बढ़कर 27.5% दर्ज किए गए हैं। तो कंपनी ने के जो नंबर्स आए हैं काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं और आज के सेशन में 4.42% की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिली है। 1368.05 के लेवल्स पर बाटा के शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश किए हैं और उसके बाद जो नंबर्स का इम्पैक्ट है वो साफ शेयर पर देखने को मिला है। DHFL ये भी आज स्टॉक फोकस में रहा है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। NCDs का जो ब्याज है वो कंपनी ने नहीं चुकाया है और उसी के चलते 10.08% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है। 4195 के लेवल्स पर इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस जो डिफॉल्ट किया था NCDs का उस पर जो ब्याज देना था वो कंपनी ने नहीं चुकाया है और ऐसे में दबाव के साथ शेयर ने कामकाज किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज फोकस में रहा, वो खबर आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। जब वापस आएंगे तो SBI के साथ साथ कुछ और बैंक्स की खबर आपको देंगे क्योंकि RBI ने इन तमाम बैंक्स पर जुर्माना ठोका है। आज खबर है, ये स्टॉक आज फोकस पे रहा है। RBI ने SBI पर 50 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है तो RBI ने ये जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये तमाम जानकारी शेयर बाजार को दी है शनिवार को। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक ये भी एक स्टॉक है जिस पर RBI ने जुर्माना ठोका है, 50 लाख रुपए का जुर्माना इस पर भी लगाया गया है। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें भी जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। खबर ये है कि जो ऋण खाता था उसमें धोखाधड़ी की सूचना कंपनी इन तमाम बैंक्स ने RBI को देरी से दी है और इसी के चलते ये जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ठोका है। OBC की बात की जाए तो 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, यूनाइटेड बैंक पर 1 करोड़ रुपए का। तो ये तमाम ऐसे बैंक्स हैं जिन पर RBI ने जुर्माना लगाया है। और स्टॉक्स की बात की जाए तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज वीकनेस देखने को मिली क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था वो साफ इन शेयर्स पर देखने को मिला। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये तमाम बैंक्स ने नॉर्म्स को पूरा नहीं किया है और समय रहते जानकारी RBI को नहीं दी है और इसी के चलते ये बैंक्स आज के सेशन में नेगेटिव न्यूज़ के चलते टूटे हैं। तो चलिए, मार्केट में आज आपने ये देख लिया है कि कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स में आज खबर थी वो हमने आपको बता दी है और बाज़ार की आज चाल कैसी रही है वो भी हमने आपको बता दी है, लेकिन आज कौन कौन से स्टॉक्स चढ़े हैं और गिरे हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले दिखाएंगे निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स। तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। भारतीय एयरटेल में आज के सेशन में अच्छा मूव देखने को मिला, 4.53% की बढ़त के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। टेक महिंद्रा ऑटो स्पेस की कंपनी है, इसमें भी आज 2.25% की बढ़त देखने को मिली। और बजाज ऑटो एक और ऐसा स्पेस है जिसमें आज ऑटो सेक्टर की कंपनी है, इसमें भी आज बाइंग हुई है, 1.59% की बढ़त के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज बाइंग हुई है और कोल इंडिया भी एक ऐसा पार्टिसिपेंट बना है आज मार्केट की गिरावट भरे माहौल में भी तेजी का रुख इसमें देखने को मिला है। करीब करीब 1.5% की तेजी इस शेयर में देखने को मिली है। TCS IT स्पेस की कंपनी है, 1.57% की बढ़ोतरी शेयर में भी देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल, TCS, कोल इंडिया, बजाज ऑटो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज तेजी का रुझान देखने को मिला।
लेकिन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में गिर गए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर है। येस बैंक में आज वीकनेस देखने को मिली, 8.21% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ है। यूपीएल एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें आज बिकवाली हावी रही है और 5.86% की गिरावट के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। ऑटो स्पेस की कंपनी टाटा मोटर्स में भी आज बिकवाली हावी रही, 5% की गिरावट के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज वीकनेस के साथ कामकाज हुआ है। पावर ग्रिड सरकारी कंपनी है, 4.70% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ है। इसमें भी आज निवेशकों ने बिकवाली की है, 3.98% टूटकर ये शेयर बंद हुआ है। येस बैंक, ग्रासिम, पावरग्रिड ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं, साथ ही साथ टाटा मोटर्स तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज बिकवाली देखने को मिली है। तो निफ्टी में गिरने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए सेंसेक्स में कौन से शेयर चढ़े हैं वो भी आप देख लीजिए। वेंकीज में आज क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, उसके बाद अच्छा मूव देखने को मिला है, 13.46% की बढ़ोतरी के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। जयप्रकाश एसोसिएट्स 9.91% की तेजी इस शेयर में भी देखने को मिली है। मैग्मा फिनकॉर्प एक और ऐसा स्टॉक है जो आज सेंसेक्स में चढ़ा है, 7.46% की तेजी के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। EIH, Schaeffler, Venkies ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज तेजी का रुझान देखने को मिला, 5.25% की बढ़त के साथ 13.5% की बढ़त इन तमाम शेयर्स में देखने को मिली है। सेंसेक्स में कौन से स्टॉक्स गिरे हैं वो भी देख लीजिए। मैंगलोर में आज 9.78% की गिरावट देखने को मिली। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन भी आज टूटकर ही बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 8.56% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है। DHFL कंपनी ने कर्ज है वो नहीं चुकाया है और ऐसे में NCDs का कर्ज न चुकाने के चलते शेयर टूट गया है। 10.08% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है और टूटकर ये शेयर आज लाल निशान में बंद हुआ है। कार्बोरेंडम में भी आज बिकवाली हावी रही, 8.85% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ है। जागरण की बात की जाए तो ये भी शेयर आज वीकनेस इसमें हावी रही है और 13.90% की गिरावट के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज बिकवाली देखने को मिली है और ये तमाम स्टॉक्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। बात कर लेते हैं ब्रिजेश सिंह से, स्टॉक एक्सिस में टेक्निकल एनालिस्ट हैं। ब्रिजेश जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सब मार्केट्स तो लगातार टूटता चला जा रहा है और आज फिर से सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए हैं, ऐसे में टेक्निकल चार्ट्स पर भी क्या कमजोरी देखने को मिल रही है मार्केट्स की? जैसे कि आपने कहा कि एक लेवल जो डाउन साइड के हैं जो एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए वो टूटते हुए जा रहे हैं, तो नो डाउट थोड़ी सी नर्मी और आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। आज के सत्र में देखें तो लगभग 10,762 के आसपास का लो था, वहां से निफ्टी ने 100 पॉइंट ऊपर बंद दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी का जो ट्रेंड बेरिशनेस थी वो खत्म हो गई, वो अभी भी बरकरार है। ऊपर में दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, अगर एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 10,920 का एक रेजिस्टेंस है और जब तक निफ्टी 11,140 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक आप हर लेवल पे आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट इमीडिएट स्विंग लो 10,760 के आसपास का बनाया है, उसका एक एक सपोर्ट एक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगभग 10,700 का रहेगा और अगर उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता तो 10,550 के आसपास में फिर दूसरा सपोर्ट निकलता, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज अ ट्रेडर और एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर जो इन्वेस्टर्स का व्यू एक साल के ऊपर का है तो ये 10,500 के आसपास में अच्छे स्टॉक्स जो अगर चलिए ब्रिजेश जी आपको रोकना चाहूंगी, जैसा कि ब्रिजेश बता रहे थे कि 11,140 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करेगा तो लगातार उसमें बिकवाली देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो अहम रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो 10,920 का है, साथ ही साथ सपोर्ट जो दिया गया है स्टॉक एक्सिस की तरफ से वो 10,550 का था। ब्रिजेश जी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपने बता दिया है लेकिन अब आगे की रणनीति किस तरह की होनी चाहिए? देखिए अंशु जी, फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैट की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा मानना यह है 10,920 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर कल मान के चलो कोई उछाल आता है तो इसका ही स्टॉप लॉस लेके एक बार बेचने की सलाह रही 10,800 और 10,750 के लिए। ट्रेंड अभी भी मेरे हिसाब से नेगेटिव है निफ्टी स्पॉट के लिए, तो ओवरऑल नेगेटिविटी ही बनी है।
दूसरी जो जो इसमें नेगेटिविटी आज और देखने को मिली थी उसका उसमें बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा योगदान था। बैंक निफ्टी ने एक लॉजिक कैंडिडेट बनाई थी जो कि जनरली रिवर्सल साइन होती है, लेकिन क्योंकि 50 दिन सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट और 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट उसके नीचे बंद हुआ था, तो वो दर्शा रहा था कि बैंक निफ्टी आपकी इसमें और निकाली देखने को मिलेगी। अब हाल फिलहाल में 23,300 का एक सपोर्ट दिख है, 23,700 के ऊपर अगर ये चलता है बैंक सत्ताईस हजार सात सौ के ऊपर अगर ये चलता है तो 28,250 के आसपास का रेजिस्टेंस निकलता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में तो कोई उछाल आता है तो आप 28,250 का स्टॉप लॉस लेके आप बैंक निफ्टी को बेचिए 27,300 और 27,450 के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में हालांकि कॉन्ट्रा कॉल्स हैं जो कि जिनमें मजबूती देखने को मिली है, चार के चार बाई कॉल है। तो पहली दो कॉल मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटी काउंटर से पहला काउंटर लेंगे हम टीसीएस, ठीक है। हायर लोज फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में डेली चार्ट पे ये ट्रेड कर रहा है, 2230 के आसपास में बाइंग करने की सलाह रहेगी, 2200 का हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेंगे और 2280 का हमारा इंट्राडे का टारगेट रहेगा। माइंड रेट इसका जो 50 हाई है वो लगभग 2292 का है, अगर ये उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आपको कम से कम 70 से 80 रुपए के आपको आगे वाले दिनों में मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दूसरी बाई कॉल है वो हमारी टीवीएस मोटर में से है, नो डाउट एक बिकवाली देखने को मिली थी ऊपर के स्तर से लगभग 500 के से, लेकिन अब उसने लगभग एक नीचे में 340 के आसपास में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया और वहां से उसने उछाल लिया, 382 के आसपास में बंद हुआ है। इंट्राडे के लिए 380 या उसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी, 375 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 392 के हमारा टारगेट है। दो बाई कॉल के बाद में आप जो दूसरी दो बाई कॉल है उसमें नंबर वन पे बाटा है, हालांकि आपके चैनल पे या और दूसरे बिजनेस चैनल पे भी मैंने ये रिकमेंडेशन 700 रुपए पे की हुई है और एज अ डिस्क्लोजर ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, लगभग 1368 के आसपास में ये बंद हुआ है। मेरी सलाह ये है इंट्रा डे के लिए 1355 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिए, 1330 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1385 का टारगेट है। माइंडेड अगर किसी का व्यू एक साल का है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस 1100 का रहेगा और 1700 रुपए या 1750 का टारगेट है। और जो चौथी कॉल है लास्ट कॉल वो भी बाइंग की है, एनजीएल एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन इसमें देखने को मिला है और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही ये ट्रेड करेगा तो लगभग 810 के आसपास में बंद हुआ है, 805 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो आप बाइंग कीजिए, 795 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए और 822 का टारगेट है इंट्राडे के लिए। चलिए ठीक है, तो ये चार स्टॉक्स आपको दिए गए हैं, बहुत शुक्रिया ब्रजेश ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो एक क्विक रीकैप आपको बता देते हैं, महानगर गैस में आपको खरीदारी की सलाह दी गई है, 795 का स्टॉप लॉस लगाइए, 822 का टारगेट के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के सेशन में अगर बात की जाए तो 2% की बढ़त के साथ ये शेयर बंद हुआ है और ऐसे में स्टॉक एक्सिस का मानना है कि कल भी ये तेज़ी कायम रह सकती है, तो इसलिए 822 के टारगेट के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाटा एक और ऐसी कंपनी है जो स्टॉक एक्सिस के रडार पर है, कल के सेशन में इस शेयर पर आप दाव लगाकर चल सकते हैं। आज के सेशन में भी बढ़त के साथ कामकाज हुआ था, कंपनी के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद शेयर करीब करीब 4.5% की बढ़त के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ऐसे में स्टॉक एक्सिस बुलिश शेयर को लेकर 1385 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए, 1330 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। टीसीएस आईटी स्पेस की कंपनी है, इसमें भी खरीदारी देखने को मिली थी आज के सेशन में, 1.93% की बढ़त के साथ ये शेयर बंद हुआ है और स्टॉक एक्सिस का ऐसा मानना है कि कल भी ये तेजी कायम रह सकती है। ऐसे में 2280 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाकर चल सकते हैं, 2200 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। टीवीएस मोटर आखिरी स्टॉक है जो बाय साइड पर आपको दिया गया है, इस शेयर पर भी आपको खरीदारी की सलाह दी गई है, 392 के टारगेट्स के लिए इसको बाय कीजिए, 375 का स्टॉप लॉस लगाइए।
तो चार ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज तेजी का माहौल देखने को मिला और कल भी ये तेजी जारी रह सकती है, इसलिए इन चारों ही स्टॉक्स को अगर आप बाय करते हैं तो इनमें अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। तो टेक्निकल व्यू हमने जान लिया है मार्केट्स पर, लेकिन फंडामेंटल व्यू भी जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जॉइंटर कैपिटल से हेड ऑफ रिसर्च है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अविनाश जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर मार्केट्स में आज भारी गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स 600 अंक लुढ़का है, ऐसे में एफपीआई की बिकवाली जारी रहेगी और घरेलू बाजार भी गिरता रहेगा, तो ऐसे में मार्केट्स की पर निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जिस प्रकार की आज बिकवाली आई है वो ज्यादातर इसलिए आई है क्योंकि मार्केट को अनुमान नहीं था कि कश्मीर में क्या मसला है। आई थिंक मार्केट थोड़ी सी नर्वस थी, प्लस जिस प्रकार की एफआईएस की बिकवाली लास्ट काफी दिनों से हो रही है वो कंटिन्यूअसली मोमेंटम पकड़ रही है। हालांकि आज एक अच्छी खबर आई है कि एक दो दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर एफपीआई का इशू को लेके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की बात कर रही है जी। तो हमें लग रहा है कि मार्केट काफी गिर चुके हैं और अभी इस लेवल से हमको लग रहा है कि जो भी नेगेटिव डेवलपमेंट है या जो भी एफपीआई रिलेटेड इश्यूज है ये मार्केट में मोर ऑर लेस डिस्काउंट हो चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिले। मोर ऑल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए क्योंकि ये नतीजों का सीजन है और इस हफ्ते में काफी बड़ी कंपनी जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, काफी बड़ी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो मोटा मोटी आप रिजल्ट पे फोकस करें, यही राय रहेगी। सर क्या मार्केट्स जो नंबर्स देख रहा है क्या उसके चलते भी बाजार पर दबाव है, क्योंकि एफपीआई डेफिनेटली एक फैक्टर है बाजार की बिकवाली का, साथ ही साथ कश्मीर एक और मुद्दा था जिसमें की वजह से नर्वसनेस हमने देखी है, और जब भी कश्मीर का मुद्दे पर जो अनाउंसमेंट आई है उसके बाद रिकवरी भी हमने देख ली है, लेकिन क्या नंबर्स भी एक बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट अभी जो निफ्टी के 32 कंपनीज की जो अर्निंग आई है 50 कंपनीज में से, हमने देखा है कि अर्निंग ग्रोथ काफी धीमी हो चुकी है और स्पेशली हमने ऑटो कंपोनेंट्स, टिपिकली एफएमसीजी और प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर इसलिए देखा है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अनुमान काफी कम आए हैं और लग रहा है कि कम से कम आने वाले एक या दो क्वार्टर्स के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में जो डिमांड की आउटलुक है, जो मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर्स है वो थोड़े से स्लो डाउन हो चुके हैं। तो नंबर्स का भी डेफिनेटली मार्केट को एक कंफर्ट नहीं है और इसलिए शायद मार्केट ऊपरी लेवल पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर देखा जाए तो ऐसे कौन से दो स्टॉक्स हैं जो जॉइंटर कैपिटल के रडार पर हैं, जिनमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है? सर हमें दो सेक्टर्स पसंद है और पहला सेक्टर सीमेंट है। सीमेंट में हमने एसीसी पहले भी रेकमेंड किया है और हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई निवेशक साल भर का नजरिया रखता है तो इस लेवल से करीबन 1750 का टारगेट पॉसिबल है। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ सेकंड हाफ में बढ़ने की बहुत अच्छी उम्मीद है, गवर्नमेंट के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, प्लस सीमेंट की प्राइसिंग अच्छी हुई है। दूसरा स्टॉक बंधन बैंक है। बंधन बैंक में ऊपरी लेवल से काफी बिकवाली हो चुकी है, लेकिन अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पहले तिमाही में कंपनी ने 700 करोड़ का प्रॉफिट किया है। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है और हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में बैंक और कम से कम 100 ब्रांचेस ऐड करने की बात कर रही है, तो ये एक अच्छा निवेश का मौका हो सकता है, प्रोवाइडेड किसी को 12-15 मंथ का होराइजन है। तो यहाँ पे 625-630 का टारगेट लेके यहाँ पे भी निवेश करें क्योंकि ये फाइनली एक एचडीएफसी ग्रुप की एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। चलिए ठीक है, और इसलिए थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश, ये तमाम जानकारी हमारे देने के लिए।